हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उन्नति एकेडमी। दिस इज रंजीत। आज मैं आप सबों के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का छठा लेक्चर प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूँ। उम्मीद है इस लेक्चर से आप सभी लोग लाभान्वित होंगे। मेरा क्वेश्चन है आज का कि विद्युत स्थिति ऊर्जा एवं विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं, इसका लिखे हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो आइए इसकी परिभाषा पहले देख लेते हैं। किसी आवेश को अनंत दूरी से विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कुल कार्य को विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो याद रखिएगा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा कि किसी आवेश को अनंत दूरी से विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कुल कार्य को विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यह एक अदिश राशि, यह एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक जूल होता है। इसका विमीय सूत्र एम स्क्वायर टी का पावर माइनस टू होता है। अगला पॉइंट हमारा है विद्युत स्थिति ऊर्जा की परिभाषा। हम लोग समझ लिए कि किसी आवेश को अनंत दूरी से विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी बिंदु तक लाने में किए गए कुल कार्य को विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक जूल होता है और इसका विमीय सूत्र एमएल स्क्वायर टी का पावर माइनस टू होता है। अब हम लोग जानेंगे विद्युत विभव की परिभाषा। विद्युत विभव क्या होता है, देखिए विद्युत विभव जिसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं इंग्लिश में। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। एकांक जांच धन आवेश को अनंत दूरी से विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत स्थित किसी बिंदु तक
लाने में क्या गया? कुल कार्य को विद्युत विभाग कहते हैं। एकांक जांच धन आवेश को अनंत दूरी से विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कुल कार्य को विद्युत विभाग कहते हैं। इसे भी द्वारा सूचित किया जाता है। यह एक अधिश राशि है। अधिश राशि है। इसका एसआई मात्रक जूल पर कूलम या वोल्ट होता है। इसका विमीय सूत्र बराबर एमएल स्क्वायर टी का पावर माइनस टू अपॉन आई टी, यानी कि एम एल स्क्वायर टी का पावर माइनस थ्री आई का पावर माइनस एक होता है। एक्सप्लेन है भी बराबर होता है डब्ल्यू बटे क्यू नोट। याद रखिएगा कि एकांक जांच धन आवेश को अनंत दूरी से विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत स्थित किसी बिंदु तक लाने में किए गए कुल कार्य को विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। इसे भी द्वारा सूचित किया जाता है। इसका ऐसा मात्रक जूल प्रति कूलम होता है या वोल्ट भी होता है। इसका ऐसा मात्रक दोनों में से कोई भी आप बोल सकते हैं। जो ऑप्शन में दिया है उसमें टिक कर सकते हैं आप। आगे है कि इसका विमीय सूत्र एमएल स्क्वायर टी का पावर माइनस थ्री आई का पावर माइनस वन होता है। और भी बराबर आप फॉर्मूला यहाँ से परिभाषा के अनुसार देख सकते हैं डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट। आइए अब आगे हम लोग दोनों का व्यंजक देखते हैं क्या होगा। पॉइंट हमारा होगा विद्युत स्थिति ऊर्जा एवं विद्युत विभव का व्यंजक। अब हम इसका व्यंजक प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। तो देखिए कैसे होगा। मान लीजिए O एक पॉइंट है, इस पर Q आवेश स्थित है। इस पॉइंट से स्मॉल r दूरी पर विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत P एक बिंदु है जहां विद्युत स्थितिज ऊर्जा एवं विद्युत विभव का मान प्राप्त करना है। अब आगे देखिए, इसी पॉइंट O से मान लीजिए स्मॉल x दूरी पर इसी लाइन के अलोंग यहां पर P एक बिंदु है। ये P बिंदु से कुछ आगे यहां यानी कि O बिंदु से स्मॉल x दूरी पर मान लीजिए यहां A एक बिंदु है जहां एकांक जांच धन आवेश क्यू नोट स्थित है। तो इस आवेश को अल्प विस्थापित करके A पॉइंट से मान लीजिए B पॉइंट तक लाया जाता है, यानी कि यहां तक लाया जाता है B पॉइंट।
कितना विस्थापित करके, तो मान लीजिए अर्ध विस्थापन dx है, dx विस्थापित करके। अब जरा सा देखिए कि इस पॉइंट ए पर q नॉट आवेश, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ ओ पॉइंट पर q आवेश है जो कि ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच रिपल्शन होता है। आपको पहले से मालूम है कि दो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और दो विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मान लीजिए एक आवेश का एक अगर दो पॉजिटिव चार्ज है तो ये आवेश इस पर जो फोर्स लगाएगा वो रिपल्सिव फोर्स होगा, यानी कि इधर की ओर, और ये आवेश इस पर जो फोर्स लगाएगा तो वो भी रिपल्सिव फोर्स होगा, उसकी दिशा इस ओर होगी। तो इस तरह से ये क्यू आवेश क्यू नोट आवेश पर जो फोर्स लगाएगा उसकी दिशा क्या होगी, इधर की ओर होगी, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स लगेगा दोनों आवेशों के बीच। इसको मैंने एफ मान लिया। ये तो था हमारा अल्प इस अल्प विस्थापन की मैंने बात किया यहाँ पर कि इस ए पॉइंट पर क्यू नोट आवेश स्थित है और इस पर फोर्स लग रहा है इस ओर, यानी कि राइट हैंड साइड लग रहा है, दाईं ओर लग रहा है। अब इसके विपरीत इस आवेश को इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में इस आवेश को उठा के ए पॉइंट से अगर आप बी पॉइंट पर लाते हैं तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ dx, ये dx डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कुछ इस प्रकार इधर की ओर होगा, दिशा डिस्प्लेसमेंट की दिशा इस ओर हो गई, और आप जानते हैं कि फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी, दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, यानी कि दोनों के बीच का कोण कितना बनेगा 180 डिग्री। इसके बाद ध्यान में रखिएगा। अब देखिए मान लेते हैं अगर हमको इस क्यू नोट आवेश को अनंत दूरी से ये पॉइंट अनंत दूरी से उठाकर पी पॉइंट तक लाना है, तब कार्य क्या होगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने परिभाषा बताया आपको कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, कि अनंत दूरी से किसी आवेश को उठा के विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा होता है। तो मैंने ये विद्युत डिस्टेंस मान लिया, तो छोटा सा कार्य पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे कि उसको इंटीग्रेट कर देंगे, लोअर लिमिट इंफिनिटी देंगे और अपर लिमिट स्मॉल आर देंगे और हमारा कार्य वहां से निकल जाएगा। आगे इसके पहले भाषा जान लेते हैं क्या होता है। माना कि ओ बिंदु पर क्यू आवेश स्थित है, ओ बिंदु से स्मॉल आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत एक बिंदु जहां विद्युत स्थितिज ऊर्जा एवं विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। ये हमारा परिभाषा है। यहां से देखिए कहने का मतलब हुआ कि ये भाषा हो गया इसका, इस फिगर का,
यहां से लिख दिया पुनः माना कि ओ बिंदु से स्मॉल एक्स दूरी पर एक बिंदु जहां क्यू नोट आवेश स्थित आगे मैंने क्या लिखा कि पुनः माना कि ओ एक बिंदु है जहां से मैंने लिखा है कि पुनः माना कि ओ बिंदु से स्मॉल एक्स दूरी पर ए एक बिंदु है जहां क्यू नोट आवेश को विद्युत बल के विरुद्ध अल्प विस्थापित करने पर किया गया अल्पकालीन DW तो ये था इस फिगर की भाषा जो मैंने लिखा। अब आगे देखिए इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या होता है। तो आप जानते हैं क्योंकि W बराबर होता है FS cos थीटा, S विस्थापन है, W बल है और थीटा बल एवं विस्थापन के बीच के मध्य का कोण है। तो यहां हम इस आवेश को एक बिंदु से B बिंदु तक लाए हैं यानी कि dx विस्थापित किया है। तो एक क्वांटिटी मेरा ये हो गया dx और एक ये f हो गया, दोनों सदिश राशि दोनों का tan यहां पर जुड़ा है। अब इसके बीच का जो ये कोण है ये दोनों सदिशों के मध्य का कोण हो गया यानी कि थीटा कोण यहां पर हमारा कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो छोटा सा कार्य चूंकि अल्प स्थापित कर रहे हैं तो अल्प कार्य ही होगा। तो ये अल्प कार्य हमारा क्या हो जाएगा dW बराबर इस फॉर्मूला पर जब आप तोड़िएगा तो f विस्थापन तो यहां पर dx है dx cos 180 डिग्री काहे कि दोनों के बीच का कोण कितना है 180 डिग्री। अब देखिए यहां से आपका dW बराबर हो जाएगा माइनस f dx, इसको आप समीकरण एक मान लीजिए। अब आप देखिए कि इन दोनों आवेशों यहां पर क्यों आवेश है इस आवेश और इस आवेश के बीच विद्युत बल लगेगा और वो विद्युत बल किसके बराबर होगा पुनः कूलॉम के नियमानुसार F बराबर हो जाए आपका 1/4πε0r into mod of Q naught upon r x square क्योंकि दोनों आवेशों के बीच का डिस्टेंस मैंने क्या माना है x माना है। तो
यहाँ से f का मान आपको क्या हो गया 1/4 pi epsilon into epsilon r into q q naught upon x square। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। ये मान आप उठा के कहाँ रख दीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं। तो रखिए क्या आएगा, देखिए वैल्यू आपका एक में जब आप मान रखिएगा तो आपका वैल्यू आ जाएगा dw बराबर माइनस f इंटू, ये f का वैल्यू रख दीजिए आप यहाँ पर 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r इंटू क्यू क्यू नॉट आपको एक्स स्क्वायर, और उसके बाद ये dx है तो dx हो जाएगा। तो ये आपका छोटा सा कार्य निकला, अल्प कार्य निकला। अब संपूर्ण कार्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको समाकलन करना पड़ेगा, लिखेंगे। अतः q नोट आवेश को अनंत दूरी से r दूरी तक लाने में किया गया कुल कार्य यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए चूंकि आवेश को ऐसा कहा जा रहा है कि अनंत दूरी से उठाया जा रहा है, रखा जा रहा है कहाँ, पी बिंदु पर, जो कि यहाँ से स्मॉल r दूरी पर है। तो इसका लोअर लिमिट हो जाएगा इंफिनिटी, क्योंकि चार्ज को इंफिनिटी से उठा के ला रहे हैं और कहाँ रख रहे हैं, पी पॉइंट पर। यहाँ से पी पॉइंट की दूरी क्या है, स्मॉल r, तो लोअर लिमिट इसका हो जाएगा इंफिनिटी, अपर लिमिट स्मॉल r। अब इसको देखिए माइनस 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r इंटू क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब आगे देखिए ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा कोएफिशिएंट टर्म है। अच्छा यहाँ पर आपका डी डब्ल्यू क्या बन जाएगा, w बन जाएगा, ये टर्म बाहर आ जाएगा माइनस 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r इंटू क्यू क्यू नॉट, ये टर्म बाहर आ गया। तो इंटीग्रेशन के अंदर जो टर्म बचेगा वो आ गया क्या आपका इंफिनिटिव से r तक, ये इसका लोअर लिमिट हो गया इंफिनिटिव, अपर लिमिट r हो गया, अंदर में क्या बचा आपका 1/x² इंटू डी एक्स। आगे इसका हो जाएगा माइनस 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r इंटू क्यू क्यू नॉट। अब इसको ऊपर ले जाएगा तो पावर का चिन्ह बदल जाएगा, एक्स का पावर माइनस 2 हो जाएगा, ये इंफिनिटी हो गया, लोअर लिमिट अपर लिमिट r, ये डी एक्स। अब फॉर्मूला इंटीग्रेशन का जानते होंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर एन डी एक्स हो तो ये क्या हो जाता है, एक्स का पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, यानी कि पावर में जोड़ देते हैं और उसी से क्या करते हैं भाग दे देते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग माइनस 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r इंटू क्यू क्यू नॉट, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन करने के बाद एक्स टू पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, माइनस इंफिनिटिव से r तक ये लोअर लिमिट इंफिनिटिव हो गया, अपर लिमिट स्मॉल r हो गया। अब यहाँ से जाएगा आपको माइनस 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r इंटू क्यू क्यू नॉट,
एक्स टू पावर माइनस टू और प्लस वन, माइनस वन जाएगा नीचे, माइनस टू प्लस वन माइनस वन जाएगा। इन्फिनिटिव से स्मॉल आर, आगे फिर इसका कैलकुलेशन कीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर इनटू क्यू क्यू नॉट इनटू वन बाय एक्स, और ये नीचे वाला माइनस वन जो है इसको इस माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। एक्स का पावर माइनस वन को क्या लिख सकते हैं, वन बाय एक्स आप लिख सकते हैं। और लोअर लिमिट आपका क्या है, इन्फिनिटी है, अपर लिमिट स्मॉल आर। तो अब आप आगे बढ़िएगा तो हो जाएगा आपका वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर इनटू क्यू क्यू नॉट। अब अपर लिमिट एक्स के स्थान पर स्मॉल आर रखिए, वन बाय क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, माइनस करेगा फिर एक्स के जगह पे इन्फिनिटिव रखिएगा, वन बाय क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव हो जाएगा। बराबर लिख लीजिएगा चूंकि एफ एक्स इस पर लिमिट है ए टू बी हो तो ये बराबर हो जाता है एफ बी माइनस एफ ए। इस फॉर्मूला पर मैंने इसको बनाया है। अब आप आगे देखिए वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर हो गया इनटू ये आपका वन बाय आर हो गया। अब माइनस कोई संख्या में जब हम इन्फिनिटिव से भाग देते हैं तो वो जीरो हो जाता है, आपका जीरो हो गया। तो इस तरह से ये क्यू क्यू नोट यहाँ लिखना छूट गया क्यू क्यू नोट। इस तरह से आप इसको क्यों इस प्रकार लिख सकते हैं वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर इनटू क्यू क्यू नोट अपॉन स्मॉल आर। ये क्या निकल गया आपका डब्ल्यू निकल गया। और आप जानते हैं कि चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, यानी कि ऊर्जा में हुए परिवर्तन बराबर किया गया कुल कार्य होता है। इसका मतलब ये कार्य जो है एनर्जी के रूप में ही परिवर्तित हो जाएंगे। अब इसको जो आप इस तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं यू बराबर एनर्जी को अगर स्मॉल यू से आप गुणा करते हैं यू बराबर आपका क्या हो गया वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर इनटू क्यू क्यू नॉट अपॉन आर। तो ये आपका एक्सप्रेशन हो गया विद्युत स्थिति ऊर्जा का। अब दूसरा पॉइंट हमारा था कि विद्युत विभव का एक्सप्रेशन निकालना था। तो आप जानते हैं परिभाषा से कि भी बराबर होता है भी बराबर, इसको आप इक्वेशन कुछ मान लीजिए, कौन इक्वेशन उसको मान लेगा आप उसको इक्वेशन हर मान लीजिए। आप जानते हैं भी बराबर होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, क्या होता है बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट होता है। तो डब्ल्यू तो आपको पता है क्या पता है वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर इनटू क्यू क्यू नॉट अपॉन आर, ये आर है। अब इसके ऊपर में क्या बटे में क्या है क्यू नॉट। अब इसको क्यों आप ऐसे भी सकते हैं ये क्यू नॉट खत्म हो गया तो आपका क्या बच गया वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर इनटू क्यू अपॉन आर। तो ये आपका विद्युत विभव का एक्सप्रेशन। तो आज के क्लास में हम लोगों ने सीखा कि विद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होती है, विद्युत विभव क्या होता है, विद्युत स्थिति ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है, विद्युत विभव का व्यंजक क्या होता है। इन सभी तमाम चीजों के बारे में आज हम लोगों ने ध्यान से सीखा जाना। अब इसके बाद की बात मैं अगले लेक्चर में प्रस्तुत करूंगा। आज के लिए इतना ही।